अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अफजल और आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं ये दोस्तों एक मिठाई की रेसिपी है। तो आज मैं आपको बधाइयों के पेड़े बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से जो बधाइयों के असल पेड़े बनते हैं उसको आप किस तरह से अपने घर में बना सकते हैं। बनाने का जो तरीका आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान होगा और इंशाल्लाह जो रियल टेस्ट है बधाइयों पेड़े का, जो कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये रेसिपी है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज उसी रेसिपी को आपके साथ शेयर किया जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर 3 चम्मच घी के शामिल करेंगे और आधा कप चक्की आटा, यानी कि ये वो आटा है गेहूं का आटा जिससे आप रोटियां बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक आटे की हमने भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो इसमें से दूर हो सके। तो जब घी इसके अंदर कम होता है दोस्तों तो आटा बहुत जल्दी भुन जाता है और आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 4 चम्मच सूजी के शामिल कर रहा हूँ। तो अब आटा और सूजी इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट और लगेंगे और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये काम आपने हल्की आंच पे ही करना है, तेज़ आंच पे ये जल जाएगा। तो जैसे आपको लगे कि आटा और सूजी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो चुकी है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद आपने इसके अंदर खोया शामिल करना है। तो मैंने दोस्तों 2 लीटर दूध का खोया बनाया था और उसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि खालिस खोया आप अपने घर में बना सकें। तो 2 लीटर दूध का इसके अंदर हम खोया शामिल करेंगे, जो कि अगर आप इसको वज़न के हिसाब से देखते हैं तो ये 450 ग्राम खोया है, और 1 कप इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगा जिसको अगर आप ग्राम के हिसाब से देखते हैं तो ये 250 ग्राम चीनी है। और इससे इतनी चीनी से ना तो मीठा इसके अंदर कम होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम मीठा पसंद करते हैं उस सूरत में आप चीनी को कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो चीनी और खोया इसमें शामिल करने के बाद कोई 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि सबसे पहले इसमें चीनी जो है वो मेल्ट होगी और उसके बाद थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सूजी होती है और आटा होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और थोड़ा सा इसका जो कलर है उसको भी सेट करेंगे। तो कलर सेट करने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1/2 चम्मच चॉकलेट पाउडर का। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं 5 किलो 10 किलो खोए से तो फिर आपको इसके अंदर जो चॉकलेट पाउडर है उसका इस्तेमाल नहीं करना, वैसे ही इसमें कलर आ जाएगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर चीनी मेल्ट हो रही है तो ये बिल्कुल पतली हो रही है, एक दफ़ा बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, उसके बाद ये थोड़ी सी जान में आएगी और इसकी तैयार होने की क्या परफेक्ट पहचान है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जब ये तैयार हो जाएगी तो आपको बिल्कुल परफेक्ट इसका जो तरीका है वो दिखाएंगे ताकि आप इसको परफेक्ट तरीके से बना सकें। तो देखिए दोस्तों, जब ये तैयारी की तरफ जाती है ना, बर्फ़ी, बधाइयों की बर्फ़ी, इसी के हमने पेड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले तो इसने पैन को छोड़ना शुरू करना है जिस तरह से कि अभी कर रही है, और छोटी सी आप इसकी बॉल सी भी बना के देख सकते हैं। अगर बॉल सख्त होगी तो बर्फ़ी आपकी सेट है, अगर बॉल नरम होगी और हाथों को चिपकेगी तो बर्फ़ी अभी कच्ची है, इसको और पकाना है आपको। तो ये देखें, बॉल फ़ौरन से ही मैंने बनाई तो बिल्कुल सेट बन चुकी थी, और अब इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार लेना है क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो इसके जो पेड़े बनेंगे वो ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो नीचे उतारने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर में शामिल करूंगा, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 चुटकी के करीब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर शामिल कर रहा हूं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा हमने इसको नहीं करना, हल्की सी इसमें गर्माइश रहेगी। चलें दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने रखा होगा और अभी भी इसमें हीट थोड़ी सी है, और हल्का सी जब ये बर्फ़ी गर्म होगी
तभी गरम गरम बर्फी के ही आपने पेड़े बनाने हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो इसलिए आपने करना ये है कि टेबल के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लें ताकि चिपके ना, और थोड़ी सी जब ये गर्म हो, इसमें गर्माइश हो बर्फ़ी के अंदर, तभी आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका अभी आपको बताऊंगा। इस तरह से सबसे पहले आप इसकी लोइयां तोड़ दें, लोइयां बना लें, और इन पेड़ों की दोस्तों शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप एक दिन बनाएं, इसको पूरा महीना इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इसका यह है कि आपने इसको फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको एयरटाइट जार में डाल के किचन में रख दें, या रूम टेम्परेचर पे किसी भी जगह आप इसको रख सकते हैं। तो देखें इस तरह से सिंपल से तरीके से इसको गोल करेंगे, और आप इसके ऊपर वैसे जो बधाइयों पेड़े बनाए जाते हैं असल में उसके ऊपर लगाया जाता है बनाने के बाद बूरा, जिसको करारा भी कहा जाता है। तो मुझे पता है घर में हर किसी के पास वो नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर वो मैं नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही सिंपल आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखें इस तरह से एक सांचे की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दें। तो अगर आप इसके ऊपर बूरा या करारा अप्लाई कर देते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके पास हो तो आप इसके ऊपर इसी स्टेज पर बूरा या करारा अप्लाई कर दें। तो इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों सारे पेड़े हमारे बन चुके हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा होने दूंगा, रूम टेम्परेचर पर आने दूंगा, और उसके बाद ये आपको तोड़ कर दिखाऊंगा कि ये कितने खस्ता बने हैं। चलें दोस्तों पेड़े जो हैं हमारे सेट हो चुके हैं, और एक पीस तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खस्ता और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।